मैं हूँ शुभोजित, और टेक्निकल शुभोजित में आपका स्वागत है। मैं आज बताऊंगा किसी भी एंड्रॉयड डिवाइस के अंदर आप बैकग्राउंड डाटा कैसे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। इससे पहले मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर इसके लिए आपको प्ले स्टोर से कोई भी क्लीनर ऐप जो है डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। अगर आपके फ़ोन पर कोई भी क्लीनर ऐप नहीं है तो फिर इस तरीके से आप क्लीन मास्टर यूज़ कर सकते हो, ठीक है, इसे इंस्टॉल कर सकते हो। तो फिर मेरे फ़ोन के अंदर जो है सिक्योरिटी ऐप पहले से है, तो फिर इसे आप ओपन कर दीजिएगा, ठीक है। कोई भी ऐप इस तरीके से आपको ओपन करना है जो क्लीन करते हैं आपके एंड्रॉयड फ़ोन को। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर मेरे को एक ऑप्शन मिल जाता है डाटा यूजेस का, ठीक है, उस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर देख लीजिए रिस्ट्रिक्ट डाटा यूजेस का ऑप्शन जो है मिल जाता है, ठीक है। तो फिर आप इस पर क्लिक कीजिएगा, उसके बाद देख लीजिए जिस ऐप का आपको बैकग्राउंड में डाटा जो है आपको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए आपको इस तरीके से रेड कलर में आपको शो हो जाएगा। आप अगर क्लिक करोगे तो फिर इस तरीके से जो है आपका बैकग्राउंड डाटा रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो फिर इस तरीके से बहुत इजीली आप बैकग्राउंड डाटा जो है रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो फिर वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो फिर जरूर लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कॉमेंट्स पर कमेंट कीजिएगा, मैं जरूर आंसर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।